हेलो, क्या क्या समस्या है सर बताइए। नमस्कार। नमस्कार सर अपने यहाँ मैं बाल गोविंद चक्रधारी जी करमगुड़ बेली से हूँ सर। जी और मैं सर यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो अपना मिडिल स्कूल बना है सर, जी अपने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, जी तो सर ये 2008 से सेंशन पास हुआ, जी जिसमें से सर अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। अपने बच्चे सर अपने गांव में मोहा पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। हालांकि अभी कोरोना वायरस से अलग बात सर, हाँ 2008 में तो कोरोना वायरस नहीं था, नहीं था अभी 2019 तक नहीं था सर, 2019 के लास्ट में ही कोरोना वायरस आया सर, 2020 तो ये अमूमन कार्य दो को हजार कौन करवा रहा था। सर ये अपना सरपंच जो भी थे होंगे सर, हाँ हम लोग तो मजदूर आदमी है सर, हाँ बाहर कहीं भी काम अपने काम के लिए जाते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है सर कि अपन मजदूर हैं तो अपन जाएंगे सर, अपन काम पे जाते हैं। तो सर क्या होता है कि यहाँ पे अपने बच्चे सही ढंग से ना पढ़ पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं सर, ना सही बिल्डिंग बन पा रहा है। अपन प्राइवेट स्कूल के लिए बोलते हैं सर, वहाँ का फीस सुन के ना सर, हम गरीब आदमी कहाँ से दे पाए सर, इतना पैसा कहाँ से देंगे सर। तो अपना बिल्डिंग ही नहीं है तो पढ़ाने के लिए भेजे तो अपने बच्चे पढ़ेगा कहाँ, ये हम असुविधा से बचे हुए हैं सर। लेकिन आज तक वही सर, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इस सन में हो जाएगा, उस सन में क्या होगा सर। आज 2008 से आज लगभग 10 साल हो गया, मान के चलिए सर, जी 10 साल तो नहीं सर, लगभग 8 साल, 8 साल हो गया सर, अभी तक ना बिल्डिंग बना, ना अपने बच्चे सही साथ पढ़ पाए हैं, ना कुछ नहीं सर। तो अपने बच्चे को हम कहाँ ले जाएं, हम शासन से एक तो विनती फिलहाल है सर। कहाँ संचालित कर रहे थे मिडिल स्कूल। सर मिडिल स्कूल ये अपना पुराना जो अतिरिक्त कक्षा है सर, हाँ अपने यहाँ यहीं पे ना सर संचालित कर रहे हैं, लेकिन सही से ना पढ़ाई हो पा रहा है ना कुछ नहीं। टीचर लोग का गलती नहीं है सर इसमें, सभी टीचर लोग आ रहे हैं और सभी लोग अपना कार्यक्रम का वो कर रहे हैं सर, अपना पढ़ाई को संचालित कर रहे हैं, किंतु पेड़ के नीचे अपने बच्चे, कभी कोई लाठी गिर जाए, कुछ हो जाए, हवा तूफान आ जाए तो छुट्टी हो जाए, तो अपने बच्चे का डिस्टर्ब हो जाते हैं सर, जी जी तो उसमें हम क्या करें सर। वही दिक्कत के नाम से आप प्राइवेट स्कूल जाते हैं सर, प्राइवेट स्कूल का फीस चुन के सर हम मजदूर आदमी कहाँ से पेमेंट कर पाएंगे सर, नहीं कर पाएंगे सर। अभी कोरोना वायरस के नाम से भी कई जगह ऐसा होता है सर कि अपने बच्चे तो जा नहीं रहे घर, किसी ने आवाज नहीं उठी आज थी तक नहीं उठाए सर, अपने हमको दिल दुख जाता है सर, क्योंकि हम अगर यहाँ पे आवाज उठाए तो क्या है, शासकीय दबाव रहता है, तुम ऐसा करो, ये ऐसा करो, ये समस्या रहता है सर। तो आंगनबाड़ी भी चलित नहीं है, अपना मिडिल स्कूल अपनी जगह सर, ये अपना मिडिल स्कूल है, जी। आज तक नट से यहाँ मिडिल स्कूल नहीं है, रोड का सुविधा नहीं है, बच्चे का आने का सुविधा, सभी कार्यक्रम एक ही जगह है सर, जी लेकिन ये तकलीफ होता है कि अपने बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे सर, हम क्या करेंगे सर, यहाँ क्या करेंगे सर, अपन गाँव में जी कोई भी।